नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। जिस तरह से कश्मीर में जो किलिंग्स हो रही है उसको लेके आज जो है आप देख सकते हैं युवा रायपुर सभा जो है यहाँ पर एक बार बाहर आई है। बंतला बरनाई से ही आपको विजुअल्स यहाँ से दे रहे हैं। जिस तरह से बात की जाए, लगातार पिछले कुछ दिनों से जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो रही है और लगातार आतंकी जो है वो सिविलियंस जो है उनको निशाना बना रहे हैं। ये देखिए वही नारे जो लगाए जा रहे हैं, दीपक दीपक तेरे युवा रायपुर सभा जो लोग हैं और यहाँ बंतलाब से इस तरह से आप देख सकते हैं इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि बंतलाब में मैक्सिमम जो कम्युनिटी है। देखिए आक्रोश है लोगों में और कहीं ना कहीं इस तरह से लोगों को धमकाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और देखिए इस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ इस तरह से प्रोटेस्ट लगातार देखने को मिल रहे थे। और हम आपको बता दें लगातार सारा दिन भी इस तरह के प्रोटेस्ट जो है वो होते रहे और आज यहाँ बंतलाब में जिस तरह आप लोग देख सकते हैं एकत्रित हुए हैं, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। बात करेंगे यहाँ इनके साथ एक्स प्रेसिडेंट यूथ युवा रायपुर सुरेंद्र सिंह, हम इनसे बात करेंगे सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी से। ये देखिए सुरेंद्र सिंह गिल्ली हैं, बात करते हैं गिल्ली जी से। हमारा जहां लोकल लोगों का यही विरोध है, क्योंकि सिलेक्टिव किलिंग शुरू हो गई है कश्मीर में जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा फेलियर है। और हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए वहाँ इस माहौल में उन लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं जो जहालत की जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी उनको सिलेक्टिव किलिंग करके वो हमारे लोगों को मार रहे हैं। हमारी सरकार से यही डिमांड है कि जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई की जाए। मिनोरिटी सुरक्षित नहीं है अभी कश्मीर, कहाँ सुरक्षित है? 3-4 दिन से 5 दिन से रोज किलिंग हो रही है। हमारी यही डिमांड है आपके माध्यम से एलजी साहब तक, उन लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाए जो लोग अपने धर्म का डिंडोरा पीटते हैं, कहते हैं एक इंसान मारने से इंसानियत मरती है। आज वो लोग कहाँ हैं? सिलेक्ट और ऐसे लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा, नाम आईडी उनकी देख के मारा जा रहा है। आज वो लोग कहाँ हैं? वो सियासी पार्टियां कहाँ हैं जो धर्म की राजनीति करती हैं? उन लोगों को बाहर निकलना चाहिए, कश्मीर में भी लोगों को खुले मन से बाहर निकलना चाहिए और विरोध करना चाहिए उन लोगों का, कि जो लोग दिखावा कुछ और करते हैं। और जब हमारे लोगों की किलिंग होती है, हिंदू समाज के लोगों की किलिंग होती है, वो कोई भी आदमी बाहर नहीं निकलता। क्या लग रहा है कि 90 के हालात एक बार फिर से बनाने? बिल्कुल 90 के ज्यादा बुरे हालात दिख रहे हैं। ये हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, ये हमारे भाई हैं, आज यही लोग बोलते हैं कि उससे भी ज्यादा के बुरे हालात हो गए हैं। आज कश्मीर में आज के दिन हुआ, आज से 2007 में गूल में जम्मू के गूल प्रोविंस रामबन के डिस्ट्रिक्ट में दो कश्मीरी प्रिंसिपल और लेक्चरर को मारा गया था, अशोक कुमार रैना और दूसरे साथ के प्रिंसिपल उसको भी मारा गया था। जब उस वक्त मुफ्ती सईद का हुकूमत थी, जब वो कहाँ थी उस वक्त? आज फिर से किलिंग हो रही है। हमारे एक सिपाही को जिसको गोली मारी, सिर में गोली मारी, पिस्टल से गोली मारी और उसका दे दिया नाम गया कि ये मिलिटेंट था। आज तो कोई सरकार भी मौजूद नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बिल्कुल सरकार तो वजूद में है ही नहीं, मगर फेलियर है। इट इज द अटर फेलियर ऑफ द एलजी गवर्नमेंट, इट इज द अटर फेलियर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हु विल नॉट टेक द केयर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पीपल। जम्मू एंड कश्मीर पीपल आर द पीपल ऑफ द पीसफुल एरियाज जो हर हमेशा पीसफुल, हमें 90 में भी पीसफुल होने के कारण भी हमें इतना बड़ा वो सजा मिली कि हम भारत माता की जय कहने वाले थे और हम निकल गए। अब हमें वहां से फिर निकाला जा रहा है, हमारे लोगों को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को वहां पर मारा जा रहा है। कहाँ है सरकार? कहाँ है इस वक्त वो कांग्रेस? कहाँ है इस वक्त वो बाकी जो पार्टियां पीडीपी कांग्रेस जो हजारों गाड़ियां लेके इस वक्त यूपी में चले जा रहे हैं? यूपी में उनको वोट बैंकिंग है, यूपी में उनको वोट बैंकिंग की पॉलिटिक्स है।
उस वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए वो हजारों गाड़ियां वहां जा रही है और यहाँ क्यों नहीं आ रही है? यहाँ के आने के लिए क्या उनको कोई परमिशन देनी पड़ेगी? उनको यहाँ आने के लिए न्योता देना पड़ेगा? और क्या हम हिंदुस्तान के लोग नहीं है? ये बिल्कुल दिखा रहे हैं हमारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियां कि जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान के होते तो वो भी वहां पर भी आवाज उठाते, आज हमारे ये किलिंग नहीं होती, आज हमारा ये हाल नहीं होता। जम्मू में, कश्मीर में, जहां पर भी आप जाओ, मरता कौन है? मरता हिंदू बेचारा है। क्यों मरता? क्योंकि ये भारत माता की जय कहने वाला है। कि खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा, ये बार बार कहा जाता है, ये तो बार बार कहा जाता है। कब कब से देखें आप, अब 2 महीने से यही हो रहा है, सिलेक्टिव किलिंग हो रही है और हिंदू समाज के लोगों की हो रही है। और आपके माध्यम से एलजी साहब से जाकर किस खून का बदला लेंगे वो? जब हमारे लोग वहां रहेंगे नहीं तब लेंगे उनसे बदला। हमारी आपके माध्यम से एलजी साहब से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी उन लोगों पे कार्रवाई की जाए और हमारे लोगों को सिक्योरिटी दी जाए। अगर नहीं दे सकते हैं तो लोग, मेरी आपके माध्यम से उन लोगों से अपील है, वो सारे जम्मू आ जाए। नया कश्मीर नहीं है बल्कि नई जहन्नुम है, तो सच बोल रही है वो। यही और क्या है, जहन्नुम ही है वो। ये जहन्नम क्रिएटेड बाय द ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द कश्मीर, इट इज द कश्मीर पॉलिटिक्स। अभी तक ये देखा नहीं गया, कोई भी जो सरकार है यानी कि इलेक्टेड गवर्नर है, अभी तक किसी ने ये भी बताया कि इस तरह से किलिंग्स हो रही है, क्योंकि जो आम पब्लिक है उसको मारा जा रहा है। ये एजेंसी फेलियर है सर, मैं आपके माध्यम से उनको, एजेंसी का सबसे बड़ा फेलियर है। पर्टिकुलर स्कूल में जाके पूछते हैं कि आप कौन से धर्म से हैं और किलिंग करते हैं, आईडी कार्ड चेक करते हैं, तो ये सबसे फेलियर किसका है? गवर्नमेंट का फेलियर है। ये हमारे लोगों को मरने के लिए वहां छोड़ दिया है। क्या लगता है ये पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि यूपी में भी इलेक्शन है इस चीज की? सर पॉलिटिकल हो मगर हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोग नहीं मर रहे थे। वहाँ पर ये भी कहा गया टीआरएस के ऑफिशियल वहाँ पर हैंडल के द्वारा कि जिन्होंने तिरंगा फहराया था 15 अगस्त में उनको निशाना बनाया गया, यानी कि तिरंगा फहराना क्या घाटी में समय गुना है? बिल्कुल ऐसे तो गुना ही लग रहा है, हमारे लोगों को मरवाने के लिए वो तिरंगा फहरा रहे हैं, हम भी तो तिरंगा फहरा रहे हैं। तो अब देखें, हमने भी सुना है जे कि जो जिन जिन लोगों ने 15 अगस्त को वहाँ झंडे चढ़ाए हैं उन लोगों को पर्टिकुलर मारा जा रहा है, इसलिए वो झंडा चढ़ाया वहाँ कि हमारे लोग मर जाए वहाँ। आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी उन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे लोगों को जो घाटी में जितने भी लोग हैं, एजुकेशन में हैं, कश्मीरी पंडित हैं, जितने भी समाज के लोग हैं गैर मुस्लिम, उनको बचाया जाए और उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाए। क्या इस स्कूल में सिर्फ तो इनको अलग किया गया, इनको ही मारा गया? तो ये बताइए, अगर झंडा फहराना था पहले मुझे बताया, पूरान वानी का जो फादर है उसने भी 15 अगस्त को फहराया था झंडा, तो उसका मर्डर क्यों नहीं गया? क्या इन्हीं का है? हमारे लोगों देखिए इस तरह से जो है लोग गुस्से में है और लगातार जम्मू में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बाकी तमाम की अगली अपडेट के लिए जुड़े हमारे साथ, नमस्कार।